अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वॉचिंग ज़ेबी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा रेडमी 9T का पबजी गेम प्ले रिव्यू। अभी इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च हुए हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं, 60 डेज़ के राउंड अबाउट। तो क्या अभी आपको ये मोबाइल फ़ोन पबजी के लिए बाय करना चाहिए या फिर किसी और मोबाइल फ़ोन की तरफ आपको सोच लेना चाहिए? तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पूरा पबजी का एक गेम प्ले करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो कैसी देखने को मिल जाती है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी जो प्राइस है वो 30,000 है, रिटेल प्राइस है, लेकिन अगर डिस्काउंट के साथ आपको आराम से 27,000 का इस टाइम मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिल जाएगा। अब इसके यहाँ पे जो एंटोटो स्कोर्स हैं वो राउंड अबाउट कोई 178,000 के हमें देखने को मिल जाएंगे। और इसके नॉर्मली ऐसे ही देखने को मिलते हैं 1,80,000, 85,000 ऐसे कहीं पे देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस आपको मीडियम किस्म की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप रन करते हैं पबजी और यहाँ पे आपको गेम बूस्ट भी देखने को मिल जाएगा, टर्बो मोड इसका। यहाँ पे आप FPS देख सकेंगे इसके और CPU यूजेज, और इसके अलावा यहाँ पे जो है GPU यूजेज वो भी देख सकेंगे। और इसके अंदर हमें जो बैटरी है वो भी काफ़ी मैसिव देखने को मिलती है, 6000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इस टाइम यहाँ पे 69 बैटरी हुई हुई है, 5 बज रहे हैं, तो लेट्स सी कितने टाइम में कितने चार्जिंग ये अब कंज्यूम करता है पबजी प्ले करते हुए। तो यहाँ पे इसकी जो लोडिंग है वो कम्प्लीट होने वाली हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक TDM प्ले करूँगा, उसके बाद तो यहाँ पे जो इसका एक क्विक मैच है वहाँ पे ज़्यादा एनिमीज होती हैं तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे लैग होता है या नहीं। यहाँ पे इसके सबसे पहले ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें जो ग्राफिक्स सेटिंग्स मिलेंगी वो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल गेम्स के लिए ठीक है। बैलेंस की बात कर ली जाए तो बैलेंस मीडियम के साथ आपको फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे, 25 FPS होते हैं अभी मीडियम पे। तो अभी हम फिलहाल हाई पे प्ले करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक TDM लगाऊंगा, तो TDM लगाते हैं। तो ये यहाँ पे लोड हो चुका है। जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस इसके अंदर इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरो हमें देखने को मिलता है। मैं आपको एक थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप ये जैसे देख सकते हैं कितना डिले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखें आप करके भी दिखाऊँ, ये देखें कितना मतलब कि स्लोली कर रहा है, तो इस वजह से आप जायरो के साथ खेल भी नहीं सकते। तो मैं वापस उस पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब एक नॉर्मल गेम करते हैं। ओके, ये M24 वाले हैं, मैं भी M24 लेके आता हूँ, बल्कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं आती कोई M24 लेके आ जाता है कोई क्या, तो फिर से इतना गेम प्ले भी नहीं होता। शायद M24 लेके आऊँ मैं भी। आप भी M4 लेके आ गए हैं, समझ नहीं आती इनकी मुझे, वैसे पता नहीं कौन होते हैं ये खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो फायर कनेक्टिविटी है वो इतनी कोई ख़ास देखने को नहीं मिल रही यहाँ पे हमें, क्योंकि FPS कम है, तो ऑब्वियसली ये सब आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ये लगता है प्रो और कोई आ गया सामने, असल में मैं Realme 6 पे खेलता हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा, बाकी यहाँ पे कोई लैग वगैरह ऐसा कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा।
पहले किल हुई है, नाइस। भाई मैं नूब हूँ, अगर कोई कमेंट्स में कहना चाहता है तो भाई मैं नूब हूँ इसलिए कोई ना गए। फायर कनेक्टिविटी नहीं हो रही। ये कौन सा बात सही है भाई। यार एक तो यहाँ पे आपको जो जायरोस्कोप है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड देखने को मिलेगा, तो बहुत ही डिले देखने को मिलता है, तो उसके उसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल आप इसको प्ले कर पाएंगे, तो इसलिए मैं वो प्ले भी नहीं कर रहा। आप यहाँ फिंगर से इसकी जो रिकॉइल कंट्रोल है वो देखेंगे। अब ये जो 30 FPS का है बहुत ही, इतना कोई गेम प्ले खास देखने को मिलेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे मार दिया है मैंने पता नहीं कैसे। सेकंड भी मार दिया है। फायर कनेक्टिविटी इसकी नहीं हो रही पता नहीं क्यों। सही था ये क्या हुआ भाई, सारे एक ही जगह आ गए थे। फायर कनेक्टिविटी ऑब्वियसली FPS का मैं तो बहुत ही डिले आ रहा है FPS उसके अंदर भी। यहाँ पे सेकंड को ही मार दिया हमने। तो यहाँ पे इसको ही मार दिया, थोड़ा हील अप हो जाए, थोड़ा गेम प्ले अभी सही हो रहा है। बाकी FPS ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपको FPS मीटर भी है तो यहाँ पे आपको CPU GPU ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 6 की स्ट्रीक चल रही है मेरी भाई, आई डोंट नो कैसे। अरे मैं मर गया बस। अभी भाई इतना अच्छा ना ही बोलता स्ट्रीक का। बस तो TDM तो गुजारे लेके चल रहा है यहाँ पे। अब पता नहीं 30,000 का मोबाइल है यहाँ पे, इन्होंने इसको दे दिया है स्नैपड्रैगन 662 के साथ। थोड़ा अच्छा चिपसेट लगा रहे थे, FPS अच्छे आ जाते मगर क्या कह सकते हैं बेटा हमारे।
इसको भी मार दिया है और दोनों ने मुझे मार दिया है। 13 किल्स हो गए हैं भाई। तो यहाँ पे विक्ट्री तो गुजारा लाइक गेम प्ले टीडीएम का देखने को मिल गया है। तो एमवीपी भी मैं ही हूँ। तो अब यहाँ पे एक क्विक मैच लगाते हैं क्योंकि वहाँ एनिमीज ज़्यादा होती हैं, तो चेक करते हैं कि वहाँ कैसा परफॉर्म करता है ये। तो 5 बजे यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी, 14 मिनट का गेम प्ले किया है, 2% गिरी है, तो बैटरी टाइमिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एक क्विक मैच लगाया तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे लैग आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं हल्का सा जिटर सा। लेट्स सी एनिमीज आती है तब तक क्या हाल होता है इसका। फ्रेम्स 28 देखने को मिल रहे हैं, 30। वे यार मिल जाए भाई। अभी तक तो ठीक देखने को मिल रहा है इसके अंदर हमें, सामने बंदे हैं। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास देखने को मिल नहीं रही, 30 FPS के गेम प्ले में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खेला जाता। एटलीस्ट यहाँ पे 40 FPS होते मगर नहीं दिए गए। मेरा एम ही फारिग है। चल भाई शिट, कहाँ था वैसे बंदा ये? भाई रिवाइव कर मुझे। हेलो, तो इससे रिवाइव लेते हैं और आगे ट्राई करते हैं थोड़ा। किट भी नहीं है मेरे पास एक तो। जोन भी आ रहा है।
एक बंदा रह गया सिर्फ, तो थोड़ा बहुत लैग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर हमें। बाकी मेरा ना ख्याल आपको 30,000 इस मोबाइल के लिए खर्च करना चाहिए अगर आप पबजी खेलने जाते हैं। बाकी ओवरऑल ठीक देखने को मिल जाता है, मोबाइल बुरा नहीं है। अब मुझे लग रहा है मैं ही मरूंगा अभी। 0 किल है मेरी। ओके, तो यहाँ पे चिकन डिनर आ गया है। लैग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।